सो जेडे उस वेले दी सिख लीडरशिप है अकाली लीडरशिप है वो अज वर्गी नहीं सी। जदों असीं किसे वाकिया दी गल करदे आ ना ते उस वेले साडे कोल चार चीज़ां हुंदियां ने, एक हुंदा स्थान, एक हुंदा शादी, एक शख्सियत ते एक स्रोत। इतिहास नूं खत्म किवें कीता, मैं इसे गल तो अकाली दल नूं कोस रहा सी, मैं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कोस रहा सी। जिहड़ा वापरदा वर्तारा है वह जिहड़ी शख्सियत है वह तो समय के नाल खत्म हो जाती है, फिर उहदी शादी जिहड़े उस वेले दे गवाह हुंदे ने समा पा के वह भी खत्म हो जाते हैं। उस तो बाद रह जाते हैं स्रोत, स्रोतों के मलगोबा किया जा रहा, कुछ स्रोत जिहड़े ने वह शहादत दे जां उस व्याख्यात दे जिहड़े ने वह बड़े पुख्ता सबूत हुंदे ने, ते उस तो बाद हुंदे ने स्थान, स्थान कार सेवा वाले बाबे ने खत्म कर दिते, ना तुहाडे कोल चमकौर की गढ़ी रही, ना सरहंद की कंध रही। जिन्हें भी इतिहास के अस्थान सी वह सारे हौली हौली कार सेवा के नाम अधीन खत्म कर दिते, तो इस निकाणा साहब के साके की एक साढ़े को अहम शहादी स्रोत बचा हुआ सी, जिस दे 400 तो लैके 612 अंग तक गंडासियां वजिया हुई सी। जिस वेले सरदार लक्ष्मण सिंह रंधावा शहीद होके डिगदे ने लक्ष्मण सिंह धारो वाली, उस सरूप के उपर उन्हां दा खून लगा होया सी। हुण श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उहदे सोध दे जां उहदे नवीनीकरण दे नाम हेठ उस सरूप दे सारे निशानां नूं खतम कर दित्ता है। तुहाडे कोल सरोत नहीं रहणगे, स्थान कारा सकार सेवा वाले बाबिआं ने खत्म कर दित्ते, स्रोत श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने खत्म कर दित्ते। कोई आवाज़ नहीं उठा रहा कि यह गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप तो सानू हर जगह के उपर जदों भी इतों तक कि हुण अगले साल 100 साल आना है संगत को विखाना सी कि ये उपर सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली का खून लगा है, ये अंगा के उपर महंत के गुंडिया ने गंडासियां मारिया सी, इतों तक कि यह कुछ छड ही नहीं रहे। इधरले पास्यो श्रीनगर वाले पासे बारामूले के कोल एक अपना आखिरी सिखां का पिंड है टंगामूला, टंगामूला दे विच एक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का स्वरूप पिया है, लड़ीवार स्वरूप है, पत्थर छापे का 1932 का छपया होया। 1947 दे विच जदों मुसलमानां ने हमला किया तो उस स्वरूप के उपर भी गंडासियां वड्डियां वज्जियां ने, वह गुरद्वारे दे विच उहनां संभाल के रखिया है। तो मैं गया किसी खोज के वास्ते तो उस वेले उहदा दे प्रबंधकां ने दस्सिया कि पंजाब तो साढ़े को पता नहीं किन्नी वारी बाबे आए ने जी, इह सानू दे दिओ, साढ़े को 10 लख लै लो, साढ़े को 20 लख ला लिओ, क्यों ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਗਲਵਾੜੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ 3000 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ, ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਧੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅਤੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 6 ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। 6 ਵਾਕਿਆਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? 5 ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਔਰ ਕਤਲ, 5 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। 6ਵੀਂ ਬੱਚੀ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੀ,
जिहड़ी बच्ची महंत दे गुंडियां दे हत्थों जींदी बच गई जिन्हें आके रौला पा दिता उस परिवार ने भी मुड़ के इन्हां सिखां तक पहुँच की ते फैसला लिया गया कि हुण कुछ भी हो जाए हुण महंत दे कोलों इहनूं आजाद करवाउणा है। महंत ने अपने भतीजे का विआह किया ननकाणा साहब के अंदर कंजरियां नचाईआं गईआं। महंत ने दो विआह कराए एक मरासी परिवार की औरत दे नाल एक होर नीवी जात की परिवार की औरत दे नाल एक नूं ननकाणा साहब जगह दित्ती दूजी नूं लाहौर गली दे विच जगह लै के दित्ती। जिन्ने भी पुठे काम किए जा सकते सी गुरधाम के अंदर वो सारे किए गए। सिखां दी लीडरशिप ने फैसला लिया इन्हां दी खालसा स्कूल लाहौर एक मीटिंग हुई जिहदे च सारी सिख लीडरशिप बैठी ते फैसला लिया गया कि असी 6 मार्च के करीब गुरद्वारा साहब का प्रबंध लै लेना है। जदों ये मीटिंग कर रहे सी तां स्कूल का एक बच्चा जिहड़ा वो लागे घूम रहा सी। कई बार होंदा है कि असी बड़ी खास गल कर रहे हैं बच्चों वल ज़्यादा असी ध्यान नहीं देंदे कि बच्चा ही है, पर उस बच्चे के घर जाके गल कर दी। उसके प्यो का नाम सी हरिदास, उन्हें जाके गल कर दी कि उत्थे सिखां दे लीडर बैठे सी ते कहिंदे सी ननकाणा साहब का कब्जा सी 6 मार्च नूं लै लेना है, ते उहदा प्यो महंत का चेला सी, उन्हें जाके महंत नूं दस दित्ता। हुण महंत नूं इह पता लग गया, इह 16 दसंबर 1920 दी गल है, उन्हें यह पता लग गया कि 3 महीने तो बाद सिखा ने मेरे को कब्जा लेना है। तो सिखा ने उस वेले जो कब्जा लैन की गल की महंत इस गल तो अलर्ट हो गया तो उन्हें गुरद्वारे के अंदर हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए। मैं पहला भी जिक्र कर चुका कि इंग्लैंड के इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के एक चिट्ठी पई है जी मिस्टर किंग की 15 दसंबर 1520 की लिखी हुई है इस मीटिंग के करीब, जिद के सारे असला डीलर कहा गया कि महंत नारायण दास मेरा खास आदमी है तो ये जोड़ा भी हथियार मंगे इसको इनकार ना किया जाए। हथियार इकट्ठे किए गए। उस तो बाद उस इलाके एक गुरद्वारा सी अक्सर गुरु नानक साहब के नाल एक जुड़ी हुई साखी है वसते रहो तो उजड़ जाओ। ये पाकिस्तान के नगर माणक देके दे वापरी सी जिहड़ा माणक देके दा महंत सी वह भी यदा खास यार सी ते बदमाश सी, उन्हें भी उत्थे बुला लिया गया पक्के तौर पर रहन लगा। 1.5 लाख रुपया दे के 5-10 नंबर ये बदमाश जिन्हां विच रांझा रिहाणा हरिया मुंडी ते शिंदी ये 5 बदमाश सी जिहड़े 10 नंबर ये बदमाश सी जिन्हां दी थाने दे विच हाजरी लवाई गई कि ये फड़े हुए ने पर ये रखे महंत दे कोल गए कि जेकर सिखां दे कतल दा मुकदमा दर्ज होवे ते थाने दे विच ये साबित किया जावे कि ये तां मौके ते है ही नहीं सी, इन्हां दी हाजरी तां थाने लगी हुई है। ये वास्ते उन्हां समय 1.5 लाख रुपया खर्चा गया। उहदे वल्लों पूरियां तैयारियां जिहड़ियां सी कीतियां गईआं और इस तैयारी की खबर जिहड़ी सी ओह सरदार वरियाम सिंह दे कोल पहुंची। सरदार वरियाम सिंह सरदार उत्तम सिंह दे कारखाने च नौकरी करते सी। उत्तम सिंह दा कारखाना जिहड़ा है ओह ननकाणा साहब दे कोल सी, इह लेखाकार सी अकाउंटेंट सी। इन्हां ने दस्सिया कि आह पता लग्गा कि महंत जिहड़ा गुरद्वारे दे अंदर तैयारियां कर रहा है। इस गल दी गल वरियाम सिंह ने करतार सिंह झब्बर होणां नूं दस दित्ती। सरदार झब्बर सिंह होणां ने महताब सिंह होणां नूं, टहल सिंह होणां नूं, चंदा सिंह होणां नूं ते सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली होणां नूं दस दित्ती। गल की सी कि सिख लीडरशिप तक यह गल पहुँच गई कि जेकर 6 मार्च नूं सारे जिहड़े सिख लीडर उत्थे जाणगे ते कतल किए जाणगे। हुण तुसीं वेखियो कि जेकर सारी लीडरशिप जांदी ते ओह ननकाणा साहब की धरती के उपर कतल की जाती फिर हालात की होंदे। फिर ये जिहड़े कौम के सुहिरद ईमानदार अकाली लीडर सी इन्होंने फैसला लिया कि असी वड्डी लीडरशिप दे जाण तो पहला एक गेड़ा आप मार दे। 4 सिख गए, सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली, सरदार महताब सिंह, सरदार वरियाम सिंह, सरदार दलीप सिंह। महंत ने सोचा कि इन्हां नूं कतल कर देना चाहिए, गुरद्वारे दे विच आए ने। तो उस वेले एक CID का ऑफिसर उत्थे सी अंग्रेजां दा, उन्हें महंत नूं पता की कहा, उन्हें कहा जेकर तू 4 कतल कर दिते ना तो सिखां दा गुस्सा तेरे खिलाफ ज़्यादा भड़केगा, इहदा इशारा समझियो, इंतजार कर जे कतल करने ने तो सारे करे। सारी लीडरशिप नूं कतल करन दी तैयारी हो चुकी सी। उसनूं रोक लिया गया, महंत रुक गया, उस दिन कोई कतलेआम नहीं होया। उस तो बाद सिख लीडरशिप ने शहीदी जथे जिहड़े सी ओह बनाए, जिहड़ा अज दा अकाली दल है भावें ओह नहीं रह गया
पर इहदी जिहड़ी आरंभता है उन्हां शहीदी जथियां दे विचों होई। पिंडां पिंडां दे विच शहीदी जथे बने ते तुसीं ख्याल करो कि उन्हां समयां दे विच जिहड़ा दिन मिथणा सी कि किस दिन असीं ननकाणा साहिब दे वास्ते तुरना है, उहदे वास्ते जिहड़ी प्लैनिंग बनाई गई ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 40-50 ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਹੰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਮੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ 90% ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਖੱਦਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਹੋਣ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਲੀਡਰ।